लेकिन देखिए भारत से बाहर भी हाथरस कांड की गूंज सुनाई दे रही है, रूस में भी इसकी गूंज है। मोदी के दोस्त पुतिन ने हादसे पर दुख जताया है, रूस के राष्ट्रपति ने शोक संदेश भेजा है। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी को शोक संदेश पुतिन की तरफ से भेजा गया और साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की पुतिन ने कामना की है इस शोक संदेश में। अभिषेक, पुतिन की तरफ से शोक संदेश भेजा गया? बिल्कुल, देखिए उसकी वजह यह है शिरीन की इस घटना की देश नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज है और इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, उसमें से इतनी लगभग मौतें महिलाओं की हुई हैं, मासूम बच्चे ये सब चपेट में आए हैं, इसने दुनिया को हिला करके रख दिया है। रूस भारत का परंपरागत दोस्त है और राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनके जो रिश्ते हैं उनकी गर्मजोशी किसी से छिपी नहीं है और पीएम मोदी को अभी मॉस्को जाना भी है इसी 8 जुलाई को, अभी आने वाली जो 8 तारीख है इसमें उनको मॉस्को जाना भी है। तो ऐसे में ये अपनी चिंता जाहिर की है, रूस ने अपनी संवेदना प्रकट की है, जो मित्र धर्म है उसका निर्वहन किया है। और मैं आपको बताऊं यहां पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां से लेकर के कासगंज से हाथरस तक फॉरेन मीडिया तक यहां पर पहुंचा हुआ कवर करने के लिए। मैंने आपसे पहले कहा कि इस घटना की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक गई है, जिस लेवल का यह मामला है और जिस तरह की दर्दनाक मौतें हुई हैं, और यह सवाल भी उठ रहा है कि जो मेन चेहरा जो इस पूरे चीजों के केंद्र में है उसका नाम ही एफआईआर में नहीं है, आखिर यह कौन सी प्रक्रिया है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो हाथरस कांड पर ये बड़ी कवरेज सीधे ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है वही कि आखिर बाबा है कहाँ, बाबा को बचा कौन रहा है, कहाँ अचानक बाबा अंडरग्राउंड हो गया, जिसका जिस सवाल का जवाब हमारी टीम लगातार तलाशेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।